सुप्रभात जीनियस स्टूडेंट्स, आप सब कैसे हैं? अब आज की बात, जी हाँ दोस्तों, क्यों ना हम वाक्यों में बंधी ऐसी रचना पढ़ें जो विचार प्रधान हो, यानी कि गद्य का पठन। गद्य में बिना चमत्कार या अतिरिक्त प्रयास के चेष्टाएं, मनोभाव, कल्पनाएं सहज स्वाभाविक रूप से व्यक्त मिलती हैं। इसमें बुद्धि तत्व की प्रधानता होती है, क्योंकि यह पाठ मुझे तो बहुत कुछ कहता हुआ लग रहा है। एक बाहर जो दिख रहा हो वो, और एक भीतरी भाव। तो स्टूडेंट्स, आइए टहलने चलें। 5000 वर्ष पूर्व की महान सभ्यता की दहलीज पर, जहां करीब 40,000 लोग जीवित थे, पर अब मुर्दों का टीला कहलाता है। जीवाश्म भंगुर इतिहास के पुख्ता सबूत हमें इस बात की गवाही देते हैं। भूख और तृप्ति देने वाली वहां की गेहूं या अनाज आज काला पड़ चुका है। इतनी महान सभ्यता थी तो वहां सब कुछ मिला ही होगा। तांबे, कांसे के बर्तन, मोहरें, चौपड़ की गोटियां, मापतोल के लिए पत्थर, मिट्टी के बने हुए गहने, रेलगाड़ियां, चक्कियां, कंघियां, रीते पड़े जलाशय जिनमें नीचे की ओर उतरती सीढ़ियां, साथ ही उनकी अबूझ लिपि जिनमें से कभी स्वर लहरियां फूटती होंगी। इतिहास के पन्ने उलटते हैं तब हमें 40,000 लोगों का ज्ञान मिलता है। आप भी अपने नजरिए से इसे समझें, पढ़ें। माँ शारदे की कृपा आप सब पर बनी रहे। उन्हें नमन करते हुए आइए पढ़ें एक रिपोर्ट, रिपोर्टाज ओम थानवी द्वारा। कक्षा 12वीं, वितान भाग 2, पाठ 3, अतीत में दवे पांव, जिसे ओम थानवी जी ने प्रस्तुत किया है। आज हम जानेंगे मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के बारे में, जो अन्य सभ्यताओं से अलग थी, जहां प्रभुत्व या दिखावे का तेवर ना था। बाकी सभ्यताओं में राजतंत्र की शक्ति को दिखाने वाले महल, उपासना स्थल, मूर्तियां, पिरामिड आदि मिलते हैं। हड़प्पा संस्कृति में ना तो भव्य मंदिर, ना राजप्रसाद यानी कि महल थे। आज के मुहावरे में उसे लो प्रोफाइल सभ्यता कह सकते हैं। मोहनजोदड़ो सिंधु सभ्यता की सबसे संपन्न सभ्यता थी। उसकी अनबुझ लिपि अभी भी सारे रहस्य अपने अंदर छुपाए हुए है। इस सभ्यता के लोग कला प्रेमी थे। वास्तुकला, चित्रकला के अद्भुत उदाहरण यहाँ मिलते हैं। एक पुरातत्ववेता के अनुसार सिंधु सभ्यता की विशेषता उसका सौंदर्य बोध है, जो राज्य पोषित या धर्म पोषित ना होकर समाज पोषित है। अतीत में दबे पांव ओम थानवी जी की रिपोर्ट आज के हम आज बहुविकल्पी प्रश्नोत्तर तथा लघुत्रात्मक प्रश्नोत्तर करेंगे। बात बात में बन जाए बात बहुविकल्पीय प्रश्नों के साथ। पहला प्रश्न ले लेते हैं, कोठार किसके काम आता होगा? उत्तर, अनाज जमा करने के लिए। दाढ़ी वाली मूर्ति का नाम क्या रखा गया था? मुख्य नरेश, धर्म नरेश, याजक नरेश, गौण नरेश। तो इसका सही उत्तर है याजक नरेश। प्रश्न 3, मोहनजोदड़ो हड़प्पा से प्राप्त हुई नर्तकी की मूर्ति किस राष्ट्रीय संग्रहालय में रखी हुई है? उत्तर, दिल्ली संग्रहालय में। प्रश्न 4, मोहनजोदड़ो की गलियों तथा घरों को देखकर लेखक को किस प्रदेश का ख्याल आया? उत्तर, राजस्थान प्रदेश का ख्याल आया। प्रश्न 5, मोहनजोदड़ो के घरों में टहलते हुए लेखक को किस गांव की याद आई? उत्तर, कुलधरा। मोहनजोदड़ो की खुदाई से निकली पंजीकृत चीजों की संख्या कितनी थी? लगभग 5,000 से अधिक। प्रश्न 7, खुदाई से प्राप्त गेहूं का रंग कैसा था? उत्तर, काला। अजायब घर में तैनात व्यक्ति का नाम क्या था? अली नवाज। सिंधु सभ्यता की खूबी क्या है? सौंदर्य बोध, संस्कृति बोध, सभ्यता बोध, नागर बोध,
तो इसका सही उत्तर है सौंदर्य बोध। लेखक ने सिंधु सभ्यता के सौंदर्य बोध को क्या नाम दिया है? समाज पोषित। मोहनजोदड़ो अपने काल में किसका केंद्र रहा होगा? उत्तर सभ्यता का। प्रश्न, मोहनजोदड़ो नगर कितने हेक्टेयर में फैला हुआ था? उत्तर 200 हेक्टेयर में। प्रश्न, भग्न इमारत में कितने खंभे हैं? उत्तर 20 खंभे। प्रश्न, डी के हलका किसके नाम पर रखा गया है? उत्तर दीक्षित काशीनाथ के नाम पर रखा गया है। प्रश्न, मोहनजोदड़ो की लंबी सड़क अब कितनी बची है? उत्तर आधा मील। प्रश्न, मोहनजोदड़ो के में लगभग कितने कुएं थे? उत्तर 700 कुएं। प्रश्न, सिंधु घाटी सभ्यता में कौन से फल उगाए जाते थे? उत्तर खजूर और अंगूर। प्रश्न, सिंधु घाटी सभ्यता में कपास पैदा होती थी, इसका क्या प्रमाण है? उत्तर सूती कपड़ा। प्रश्न, अतीत में दबे पांव नामक पाठ के रचयिता का नाम क्या है? मनोहर श्याम जोशी, फणीश्वर नाथ रेणु, हजारी प्रसाद द्विवेदी, ओम थानवी। तो इसका सही उत्तर है ओम थानवी जी। प्रश्न, लेखक के अनुसार मोहनजोदड़ो की आबादी लगभग कितनी थी? मोहनजोदड़ो नगर कितने हजार साल पहले का है? उत्तर 5000 साल पहले का। प्रश्न, मोहनजोदड़ो की मुख्य सड़क की चौड़ाई कितनी है? उत्तर 33 फीट। प्रश्न, मोहनजोदड़ो की सभ्यता और संस्कृति किसकी शोभा बढ़ा रहे हैं? उत्तर अजायब घर की, यानी के म्यूजियम्स की। प्रश्न, मोहनजोदड़ो की सबसे ऊंचे चबूतरे पर क्या विद्यमान है? उत्तर बौद्ध स्तूप। प्रश्न, बौद्ध स्तूप कितने फुट ऊंचे चबूतरे पर निर्मित है? उत्तर 25 फुट ऊंचे चबूतरे पर। प्रश्न, चबूतरे पर किसके कमरे बने हुए हैं? उत्तर भिक्षुओं के। प्रश्न, राखल दास बैनर्जी यहां पर किस वर्ष आए थे? उत्तर सन 1922 में। प्रश्न, राखल दास बैनर्जी कौन थे? उत्तर पुरातत्ववेता। प्रश्न, मोहनजोदड़ो का को नागर भारत का सबसे पुराना क्या कहा गया है? उत्तर लैंडस्केप। प्रश्न, मोहनजोदड़ो के वास्तुकला की तुलना किस नगर के साथ की गई है? उत्तर चंडीगढ़ से। प्रश्न, मोहनजोदड़ो से सिंधु नदी कितनी दूरी पर बहती है? उत्तर 5 किलोमीटर। प्रश्न, दक्षिण में टूटे फूटे घरों का जमघट किसकी बस्ती मानी गई है? उत्तर कामगारों की। प्रश्न, महाकुंड कितने फुट लंबा है? उत्तर 40 फुट लंबा है। महाकुंड की चौड़ाई कितनी है? उत्तर 25 फुट। प्रश्न, महाकुंड की गहराई कितनी है? उत्तर 7 फुट। प्रश्न, महाकुंड के तीन तरफ किसके कक्ष बने हुए हैं? उत्तर साधुओं के। प्रश्न, उत्तर में दो पांत में कितने स्नान घर हैं? उत्तर 8। प्रश्न, कुंड के पानी के प्रबंध के लिए क्या व्यवस्था है? उत्तर कुआं। प्रश्न, लघुत्तरात्मक प्रश्न ले लेते हैं। अतीत में दबे पांव नामक पाठ के लेखक कौन है? उत्तर ओम थानवी। अतीत में दबे पांव पाठ क्या है? उत्तर एक यात्रा वृतांत और रिपोर्ट। प्रश्न, अतीत में दबे पांव नामक पाठ में किस सभ्यता का वर्णन है? उत्तर मोहनजोदड़ो, सिंधु कालीन सभ्यता का। प्रश्न, वर्तमान में यह पुरातात्विक स्थल कहाँ है?
उत्तर, पाकिस्तान के सिंध प्रांत में। प्रश्न, मोहनजोदड़ो किस नदी के तट पर स्थित है? उत्तर, सिंधु नदी। प्रश्न, मोहनजोदड़ो किस काल के शहरों में सबसे बड़ा शहर है? ताम्रकालीन यानी के तांबा युग। मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या है? मृतकों या मुर्दों का टीला। प्रश्न, वर्तमान में मोहनजोदड़ो को किस नाम से जाना जाता है? उत्तर, मोहनजोदड़ो। प्रश्न, मोहनजोदड़ो के टीले कैसे हैं? उत्तर, मानव निर्मित। प्रश्न, सिंधु नदी के पानी से बचने के लिए जमीन की सतह को किस तरह ऊपर उठाया गया था? उत्तर, कच्ची पक्की ईंटों की चिनाई से टीलों के रूप में। प्रश्न, मेसोपोटामिया के अभिलेखों में प्रयोग मेलुआ शब्द संभवतः किसके लिए प्रयोग होता होगा? उत्तर, मोहनजोदड़ो के लिए। मोहनजोदड़ो या मोहनजोदड़ो की खोज किसने की? राखल दास बैनर्जी ने। प्रश्न, राखल दास बैनर्जी कौन थे? उत्तर, पुरातत्ववेत्ता। प्रश्न, राखल दास बैनर्जी यहाँ पर किस वर्ष आए थे? सन 1922 ईस्वी में। प्रश्न, मोहनजोदड़ो की खुदाई किसके निर्देश पर शुरू हुई थी? जॉन मार्शल के निर्देश पर। प्रश्न, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के तत्कालीन महानिदेशक कौन थे? उत्तर, जॉन मार्शल थे। यह स्थल किस चीज की अनूठी मिसाल है? उत्तर, नगर नियोजन की। प्रश्न, सिंधु घाटी सभ्यता कितने साल पुरानी है? उत्तर, 5000 वर्ष पुरानी। मोहनजोदड़ो नगर कितने हजार साल पहले का है? उत्तर, 5000 वर्ष पूर्व का। प्रश्न, मोहनजोदड़ो अपने काल में किसका केंद्र रहा होगा? उत्तर, सभ्यता का। प्रश्न, मोहनजोदड़ो का समाज कैसा था? उत्तर, साक्षर और सुसंस्कृत। प्रश्न, सिंधु घाटी की सभ्यता को किस सभ्यता के समकक्ष माना जाता है? उत्तर, मेसोपोटामिया और मिस्र की सभ्यता। प्रश्न, सिंधु घाटी की जल संबंधी अनूठी विशेषता क्या है? उत्तर, जल निकासी का प्रबंध यानी के उत्तम ड्रेनेज सिस्टम था यहाँ का। प्रश्न, मोहनजोदड़ो नगर कितने हेक्टेयर में फैला हुआ है? उत्तर, 200 हेक्टेयर में। प्रश्न, लेखक के अनुसार मोहनजोदड़ो की आबादी लगभग कितनी थी? तो उत्तर, 85,000। प्रश्न, मोहनजोदड़ो के अलावा सिंधु घाटी सभ्यता का दूसरा शहर कौन सा है? उत्तर, हड़प्पा। प्रश्न, सिंधु घाटी संस्कृति किस प्रकार की मानी जाती है? उत्तर, मैदानी संस्कृति। प्रश्न, 100 वर्षों में अब तक मोहनजोदड़ो के कितने भाग की खुदाई की गई है? उत्तर, 1/3, 1/3। प्रश्न, मोहनजोदड़ो के स्तूप के चबूतरे वाले हिस्से को किस नाम से पुकारते हैं? उत्तर, गढ़। प्रश्न, मोहनजोदड़ो की मुख्य सड़क की चौड़ाई कितनी थी? उत्तर, 33 फीट। प्रश्न, महाकुंड कितने फुट लंबा था? 40 फुट। महाकुंड की चौड़ाई कितनी थी? 25 फुट। महाकुंड की गहराई कितनी थी? 7 फुट। प्रश्न, किसके कमरे बने हुए हैं? साधुओं के। प्रश्न, महाकुंड में पानी के प्रबंध के लिए क्या व्यवस्था है? उत्तर, कुआं। प्रश्न, महाकुंड में ईंटों के बीच चूने और चिरौड़ी के गारे का इस्तेमाल क्यों किया गया था? उत्तर, पानी का रिसाव रोकने के लिए, अशुद्ध पानी के प्रवेश को रोकने के लिए। प्रश्न, महाकुंड के पास मिले ज्ञानशालाओं के अवशेषों को क्या नाम दिया गया है? उत्तर, कॉलेज ऑफ
प्रीस्ट। प्रश्न, 2, 5 और 8 स्नानागार कहाँ बने थे? उत्तर, कुंड के उत्तर में। प्रश्न, कुठार किस काम आते थे? उत्तर, कर से प्राप्त अनाज जमा करने के, यानी कि एज अ टैक्स जो अनाज आता था उसको कोठारों में जमा कर दिया जाता था। प्रश्न, दाढ़ी वाली मूर्ति का नाम क्या रखा गया? उत्तर, याजक नरेश। प्रश्न, नर्तकी के अलावा और किसकी मूर्ति मिली थी? उत्तर, दाढ़ी वाले नरेश की। प्रश्न, मोहनजोदड़ो से सिंधु नदी कितनी दूरी पर बहती है? उत्तर, 5 किलोमीटर की दूरी पर। प्रश्न, मोहनजोदड़ो हड़प्पा से प्राप्त हुई नर्तकी की मूर्ति किस राष्ट्रीय संग्रहालय में रखी हुई है? उत्तर, राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में, नेशनल म्यूजियम न्यू दिल्ली। प्रश्न, मोहनजोदड़ो की गलियों तथा घरों को देखकर लेखक को किस प्रदेश का ख्याल आया? उत्तर, राजस्थान का। प्रश्न, मोहनजोदड़ो के घरों में टहलते हुए लेखक को किस गांव की याद आई? उत्तर, कुलधरा। प्रश्न, मोहनजोदड़ो की खुदाई से निकली पंजीकृत चीजों की संख्या कितनी है? उत्तर, 50,000 से अधिक। प्रश्न, मोहनजोदड़ो की लंबी सड़क अब कितनी बची है? उत्तर, आधा मील। प्रश्न, सिंधु घाटी सभ्यता में कपास पैदा होता था, इसका क्या प्रमाण है? उत्तर, सूती कपड़ा। प्रश्न, मोहनजोदड़ो को नागर भारत का सबसे पुराना क्या कहा गया है? उत्तर, लैंडस्केप। प्रश्न, मोहनजोदड़ो की सभ्यता संस्कृति अब किस जगह की शोभा बढ़ा रही है? उत्तर, अजायब घरों की, यानी के म्यूजियम्स की। प्रश्न, मोहनजोदड़ो की वास्तुकला की तुलना किस नगर के साथ की गई है? उत्तर, चंडीगढ़। प्रश्न, खुदाई से प्राप्त गेहूं का रंग कैसा था? उत्तर, काला। प्रश्न, अजायब घर में तैनात व्यक्ति का नाम क्या था? उत्तर, अली नवाज। प्रश्न, सिंधु सभ्यता की खूबी क्या है? उत्तर, सौंदर्य बोध। प्रश्न, लेखक ने सिंधु सभ्यता के सौंदर्य बोध को क्या नाम दिया? उत्तर, समाज पोषित सौंदर्य बोध। यहाँ की आड़ी और सीधी सड़कों को आज के वास्तुकार क्या कहते हैं? उत्तर, ग्रिड प्लान। प्रश्न, भग्न इमारत में कितने खंभे थे? उत्तर, 20। प्रश्न, डीके हलका किसके नाम पर रखा गया है? उत्तर, दीक्षित काशीनाथ के नाम पर। प्रश्न, सोने की 3 सुइयां किसे मिली थी? उत्तर, काशीनाथ दीक्षित जी को। प्रश्न, यहाँ के सबसे डीके जी किसके नाम पर रखा गया है? उत्तर, पुरातत्वविद काशीनाथ दीक्षित जी के नाम पर। प्रश्न, सिंधु घाटी सभ्यता में कौन से फल उगाए जाते थे? उत्तर, बेर, खरबूजे, खजूर और अंगूर। प्रश्न, मोहनजोदड़ो के सबसे ऊंचे चबूतरे में क्या विद्यमान है? उत्तर, बौद्ध स्तूप। प्रश्न, बौद्ध स्तूप कितने फुट ऊंचे चबूतरे पर निर्मित है? उत्तर, 25 फुट। प्रश्न, स्तूप से महाकुंड की ओर जाने वाले रास्ते का नाम क्या रखा गया है? उत्तर, देव मार्ग, यानी डिविनिटी स्ट्रीट। प्रश्न, चबूतरे पर किसके कमरे बने हुए हैं? उत्तर, बौद्ध भिक्षुओं के। प्रश्न, साधु के कमरे कहाँ थे? उत्तर, कुंड के 3 तरफ। दोनों में अंतर जान लीजिए। प्रश्न, दक्षिण में टूटे फूटे घरों के जमघट को किसकी बस्ती माना गया है? कामगारों की। प्रश्न,
उत्तर में दो पांत में कितने स्नान घर हैं? उत्तर, 8 स्नान घर। प्रश्न, अनाज की ढुलाई के लिए किस वाहन का प्रयोग किया जाता होगा? उत्तर, बैलगाड़ी। मोहनजोदड़ो में कुओं को छोड़कर अन्य चीजों के आकार कैसे थे? उत्तर, चौकोर या आयताकार, इधर स्क्वेयर और रेक्टेंगुलर। प्रश्न, सिंधु घाटी के छोटे टीलों पर बनी बस्तियों को क्या कहा गया है? उत्तर, नीचा नगर। प्रश्न, रंगरेज के कारखानों में क्या रखा जाता होगा? उत्तर, रंगाई के बर्तन। प्रश्न, रंगाई का छोटा कारखाना खुदाई के समय किसे मिला था? उत्तर, माधो स्वरूप वत्स जी को। प्रश्न, नालियों की क्या विशेषता थी? उत्तर, नालियां पक्की ईंटों से बनी और ढकी हुई थीं। प्रश्न, सिंधु की खास पहचान छापे वाले कपड़ों को क्या कहते हैं? उत्तर, अजरक। प्रश्न, समूची हिंदू सभ्यता में औजार तो मिले, परंतु वहां क्या नहीं मिले? उत्तर, हथियार। प्रश्न, सिंधु घाटी सभ्यता की तीन विशेषताएं लिखिए। उत्तर, सिंधु घाटी सभ्यता की विशेषताएं हैं, सिंधु घाटी सभ्यता सुनियोजित सभ्यता थी। यहाँ के भवनों का निर्माण समान अनुपात में हुआ था। मुख्य सड़क के दोनों ओर घर थे। घर के दरवाजे मुख्य सड़क पर ना खुलकर पीछे गली में खुलते थे। नंबर 2, कुएं, नहर, स्नानागार और जल निकासी का समुचित प्रबंध था। बड़ा अच्छा ड्रेनेज सिस्टम था उनका। प्रश्न तीसरा पॉइंट, सिंधु घाटी सभ्यता कृषि प्रधान सभ्यता थी। यहाँ कपास, गेहूं, जौ, सरसों के अतिरिक्त फलों की उपज भी होती थी। प्रश्न, ग्रिड शैली से आप क्या समझते हैं? उत्तर, पूर्ण नियोजन के साथ किसी नगर का निर्माण करना जिसकी सड़कें सीधी या बड़ी हों, ग्रिड शैली कहलाता है। चंडीगढ़ और इस्लामाबाद ग्रिड शैली के उदाहरण हैं। प्रश्न, टूटे फूटे खंडहर सभ्यता और संस्कृति के इतिहास के साथ साथ धड़कती जिंदगियों के अनछुए समय का भी दस्तावेज होते हैं। कथन का भाव स्पष्ट करें। उत्तर, इस कथन में भाव यह है कि सिंधु घाटी सभ्यता आज टूटे फूटे खंडहरों में भले ही बदल गई हो, किंतु इस सभ्यता और संस्कृति के इतिहास के साथ साथ धड़कती जिंदगियों के अनछुए समय के दस्तावेज भी हैं। अनेक वर्ष बीत जाने के बाद आज भी खंडहरों में कदम रखते ही हम सहसा सहम जाते हैं। रसोई की किसी खिड़की पर खड़े होकर उसकी गंध महसूस कर सकते हैं। यहाँ सुनसान मार्ग पर पैर रखकर बैलगाड़ी की झुनझुन रुनझुन सुन सकते हैं। यह आज भी इस संस्कृति को जीवन देते हुए पहलू हैं। यहाँ उन लोगों की बात सुनाई देती है जो अतीत के पन्नों में दर्ज हैं। यानी कि वहां जाते ही हमें लगता है कि कभी यहां पर एक जीवंत सभ्यता थी। प्रश्न, क्या यह सच है कि यहाँ किसी आंगन की टूटी फूटी सीढ़ियां अब आपको कहीं नहीं ले जाती, विकास की तरफ अधूरी रह जाती हैं, लेकिन उन अधूरे पायदान के ऊपर खड़े होकर अनुभव किया जा सकता है कि आप दुनिया की छत पर हैं। वहां से आप इतिहास को नहीं उसके पार झांक रहे होते हैं। इस कथन के पीछे लेखक का क्या आशय है? उत्तर, लेखक ने मोहनजोदड़ो जीवन संस्कृति को आज जीर्ण शीर्ण स्थिति में है, आंगन की सीढ़ियां टूट चुकी हैं। यदि आप संवेदन शून्य होकर उन पर आगे बढ़ेंगे तो आपको लगेगा यह सीढ़ियां अधूरी रह जाती हैं, किंतु इनके स्पंदन का अनुभव करने पर आप पाएंगे कि
तीन पायदान के ऊपर खड़े होकर भी आप दुनिया की छत पर हैं। जिस तरह छत पर खड़े होकर सभी दृश्य साफ साफ नजर आने लगते हैं, उसी प्रकार इन सीढ़ियों पर खड़े होकर इतिहास के पार देखा जा सकता है। अर्थात यह कि सभ्यता दुनिया को कदम दर कदम कोई ना कोई गरूर देती रही है। प्रश्न, मोहनजोदड़ो की सभ्यता को लो प्रोफाइल सभ्यता क्यों कहा जाता है? उत्तर, यहाँ पर राजतंत्र को प्रदर्शित करने वाले महल, धन की ताकत दिखाने वाले पूजा स्थल, मूर्तियां व पिरामिड नहीं मिले हैं। नंबर दो, यहाँ से मिली राजा की मूर्ति पर जो मुकुट है उसका आकार बहुत छोटा है, यानी कि कोई भव्य मुकुट नहीं है। नंबर थ्री, यहाँ से मिली नावें बहुत छोटे आकार की हैं। सो जीनियस स्टूडेंट्स, इफ यू लाइक आर कंटेंट, बैक टू स्कूल मिसेस सविता खोसला चैनल, लाइक सब्सक्राइब एंड डू शेयर विद योर फ्रेंड्स। आई विल रियली अप्रिशिएट। विल मीट अगेन विद अ न्यू वीडियो। अंटिल देन टूडल्स, थैंक यू वेरी मच।